वैसे भी कहते हैं जो शिव पार्वती का पूजन करती हैं कन्याएं, उन्हें वर अच्छा मिलता है, उन्हें घर अच्छा मिलता है, ऐसा मानते हैं। यहां पर एक माता जी बैठी हैं, वो बताती थी हमको कि महाराज जी हम बचपन से बहुत सेवा करते थे, शिव जी की अभिषेक करते थे, बेलपत्र चढ़ाते थे, तो बोले महाराज बड़ा अच्छा घर परिवार मिला हमको, बाल गोपाल खूब अच्छे हैं, बहू सेवा करती हैं, बहुत सेवा करती हैं बहू, बेटे भी आज्ञाकारी हैं। और इन सबसे अच्छी बात तो महाराज जी ये है कि हमारे पति हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम जो कह दें वही करते हैं, हम अपने पति से जो कहते हैं। अच्छा देवियों को चाहिए क्या? बोले पति हमारी बात माने बस। और जिस पत्नी का पति सारी बात मानता हो, वो पत्नी कहती है हमारा तो बस। भगवान ने बड़ी सुनी, भोलेनाथ ने बहुत ज्यादा ही सुन ली, पर ये सच है जो शिव पार्वती का पूजन करते हैं बचपन में, कन्या स्पेशली, उन्हें सुंदर घर और सुंदर वर मिलता है, उनके घर में शांति भी बनी रहती है। आजकल के बच्चे भी बड़े गजब के हैं, मम्मी पापा की जिद करने पर कभी कभार शिव जी को जल चढ़ाने जाते हैं, और वो भी मन में द्वंद चढ़ा होता है कि क्यों चढ़ाएं, मम्मी भी जिद करती रहती है, पता नहीं क्या दिलवाएगी मम्मी। तो जब मन में भाव नहीं होगा तो वो वर भी नहीं मिलेगा और वो घर भी नहीं मिलेगा। भावना से, सच्चे भाव से अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका बहुत बड़ा प्रमाण आपको अपने जीवन में मिलेगा, बहुत बड़ा, अच्छा घर अच्छा वर मिलेगा।